नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल इनक्रेडिबल क्रिएशंस में। तो आज मेरा वीडियो कोटी पर है। इसके पहले भी मैंने कोटी का वीडियो आप लोग से शेयर किया है, लेकिन इस वीडियो में मैं कटिंग और स्टिचिंग दोनों दिखा रही हूँ। पिछले वीडियो में मैंने ओनली स्टिचिंग बताई थी और इसमें कटिंग स्टिचिंग दोनों है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती तो लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने कोटी का कपड़ा लिया हुआ है, एक एक मीटर है, ये नेट का कपड़ा है और ये सेंटून का कपड़ा है। तो इसमें पहले सेंटून के कपड़े अस्तर का कपड़ा लगा रही हूँ, इसमें नेट का कपड़ा है इसलिए। तो इसे अस्तर के कपड़े को पहले चार फोल्ड में कर लेंगे अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जो मेरा मेज़रमेंट है वो बस्ट 45 है, तो उसमें एक इंच लूजिंग देंगे तो 46 का 1/4 लेंगे यहाँ पर, प्लस मार्जिन लेंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग कपड़ा जो है ये फोल्ड किया है मैंने। तो अब यहाँ पे शोल्डर जो है उसका हाफ ले रहे हैं, तो 8.5 लिया है मैंने शोल्डर, और इस कपड़े को चार फोल्ड में किया है। और इसकी जो लेंथ रहेगी वो टोटल लेंथ जो है वो 18 रहेगी, और एक इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है, आधा इंच नीचे और ऊपर की तरफ दबेगा, तो 19 इंच इसकी लेंथ ली है कोटी की। इस तरह से स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे और ये फ्रंट और बैक एक ही साथ कट कर रही हूँ, फिर बाद में अलग करके काट लूँगी। तो यहाँ पे आर्म और लेंथ जो है वो 8 इंच लिया है, और इधर से 8.5 ऊपर शोल्डर लिया था तो इधर से भी 8.5, और जो फ्रंट का आर्म होल है वो 7.5 पे लिया है। तो ऐसे 7.5 पे एक स्ट्रेट लाइन खींच लिया, और ये जो 8.5 की लाइन थी वहाँ पे खींच लिया, फ्रंट और बैक दोनों का एक साथ है। तो अब मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे बस्ट का 1/4 11.5 हुआ, तो यहाँ पे 11.5 पे एक पॉइंट लगा लेंगे और फिर 2 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं। तो यहाँ दो ये मार्जिन है, तो अभी ये शेप लगा लेंगे आर्म होल का, ये बैक का है, और अब ये फ्रंट का शेप लगा लिया, और नीचे में भी उतना थोड़ा सा हाफ इंच कम लिया है मैंने, और ऐसे एक लाइन खींच ली। अब इसकी कटिंग कर लेंगे, तो बैक पार्ट की ही पहले कटिंग करेंगे, इसे पहले अलग अलग करके फ्रंट और बैक को फिर कट करेंगे। तो ये बैक पार्ट निकाल लिया है मैंने, और अब फ्रंट को इस तरह से डबल फोल्ड में करके अब इसमें शेप लगा लेंगे। तो यहाँ पे जो नेक की ब्रॉडनेस है वो 3 इंच ली है, और जो लेंथ रहेगी वो 9 इंच लिया है मैंने, 9 इंच इधर से लिया है, और ये इस तरह नीचे की तरफ थोड़ा सा शेप लगा लिया है। आप चाहें तो स्ट्रेट भी रख सकते हैं। तो ये ऐसे शेप लगा के अब इसकी कटिंग कर लेते हैं, और यहाँ पे ऐसे ये कट हो जाएगा, और ये फ्रंट आर्म होल भी इस तरह से कट हो जाएगा। तो ये फ्रंट की कटिंग हो गई, और अब बैक की भी कटिंग करनी है। तो बैक में भी नेक की ब्रॉडनेस 3 इंच लिया है, और जो डेप्थ है वो भी 3 इंच ही रहेगा। आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं जैसा आपको पसंद हो। और अब ये मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे, तो मेन फैब्रिक जो है वो नेट का है, तो अब इस पर भी पहले फ्रंट और बैक एक ही साथ कट कर रहे हैं, इसलिए कपड़े को चार फोल्ड में किया है, और फिर अलग अलग करके इसे कट कर लेंगे। तो इस तरह से ये कपड़े जो है कटिंग हो गई। अब बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं नेट में, और ये फ्रंट की इस तरह से कटिंग कर ली है, और ये आर्म होल की अब कटिंग हो रही है। तो अब कटिंग जो है वो हो चुकी है इस तरह, और अब ये इसमें अब सिलाई लगानी है। तो इस तरह से दोनों को एक साथ ऐसे एक रख के, और नेट का ये फैब्रिक है इसे भी एक साथ रख के अब इस पर सिलाई पहले आर्म होल पे लगाएंगे, और फिर इधर साइड में छोड़ देंगे, और ऊपर शोल्डर की तरफ छोड़ देंगे, और इस तरह से दोनों भाग में सिलाई लगा लेंगे। इसके पहले भी मैंने कोटी का वीडियो डाला है, अगर आप वीडियो वहाँ देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं।
सिलाई जो है वो कोटी में लग चुकी है। अब जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे ट्रिम कर लेंगे और बाकी जो ऐसे घुमाव है जहाँ जहाँ पे उसमें कट लगा लेंगे इस तरह से, सब में इसी तरह से कर लेंगे। कट लगाने से जो है वो फैब्रिक को जब हम पलटते हैं तो वो अच्छे से सेट हो जाता है और उसके बाद आप टॉप की स्टिच लगा सकते हैं या फिर आयन कर सकते हैं। तो मैंने सारे जो है वो सीधे करके पलट कर आयन कर लिया है कपड़े को, जिससे उसकी सिलाई जो है वो अच्छे से बैठ गई है। तो अब इसे भी इसी तरह से ट्रिम कर लिया है, एक्स्ट्रा जो भी फैब्रिक है, और फिर ऐसे हल्के हल्के कट लगा लिए हैं जहाँ जहाँ पे घुमाव है, और ये नीचे की तरफ भी कर लिया है। और इसे पलट लेंगे और अब इसे ये दोनों में फ्रंट और बैक दोनों ऐसे सीधा कर लिया है। और फिर अब ये आयन भी कर लिया है मैंने। आयन करने से कपड़े की फिनिशिंग अच्छी हो जाती है, बैठ जाता है अच्छे से कपड़ा। और अब इस पे ये लेस लगानी है मुझे गोल्डन कलर की, तो इस तरह से फ्रंट में ये लेस लगाएंगे, तो फ्रंट और बैक में नीचे की तरफ लेस लगाएंगे, तो ये लेस जो है पूरा इस तरह लगाते जाएंगे यहाँ पर। फ्रंट और बैक दोनों को आपस में इस तरह से रखते हुए शोल्डर को अटैच कर लेंगे और फिर साइड की सिलाई जो भी आपका मेजरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग साइड की सिलाई और वेस्ट की भी सिलाई लगा लेंगे। ये कोटी का फाइनल लुक है। तो यहाँ पर फ्रंट में मैंने डोरी और ये टेसल्स लगा दिए हैं। और आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक ज़रूर कीजिए अगर पसंद आए तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।